तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DSL मैक में। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। इसका कारण ये है कि मुझे बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था, जो कि मैं आप लोगों के लिए आज ये वीडियो टाइम मैनेज करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिनका मैं रिप्लाई देने में थोड़ा सा मेरे पास टाइम का कमी थी, अभाव था, इस कारण से मेरे वीडियो नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे चैनल पे। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि कम से कम आपको वीकली एक वीडियो मिल जाए, तो मैं इसका ट्राई करूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यह बात करेंगे कि आप लोगों के जैसे कुछ ट्रेडों का स्किल टेस्ट तो हो चुका था, लेकिन कुछ ट्रेडों का बाकी है। जैसे मेन ट्रेड फीटर हो गया, है ना, इलेक्ट्रिशियन हो गया और बिल्डर हो गया, कुछ ट्रेडों का हुआ था, दो तीन ट्रेडों का हुआ था, उनका स्किल टेस्ट हो चुका था। और उनका रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट आपका जब तक सभी ट्रेड का स्किल टेस्ट का नहीं हो जाता है ना, सभी ट्रेड का स्किल टेस्ट नहीं हो जाता जब तक वह रिजल्ट नहीं आएगा। तो बाकी के ट्रेडों का जो भी मेन के ट्रेड थे हमारे, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इन सभी का स्किल टेस्ट कब होगा तो इसी वीडियो में जानेंगे, है ना। तो वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। और चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको, है ना, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कि देखिए आप लोगों का जो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट आपका किस कारण से डिले हो रहा है, ये चीज़ आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको, आप लोगों को पता है कि अभी लोकसभा इलेक्शन मतलब स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ राज्यों में तो स्टार्ट हो जाएंगे अभी इसी अप्रैल में। तो वैसे आपको बता दूँ, इसी के कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो आप लोगों का कब तक स्किल टेस्ट होने के चांसेस है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपका मान लो ये सारी BARC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में, तो मुंबई में आपका यानी कि महाराष्ट्र में इलेक्शन कब से, तो महाराष्ट्र में लगभग 5 चरणों में इलेक्शन है ना। तो अभी जो पहला चरण का इलेक्शन है वो 19 अप्रैल से है मे बी, तो आप देख लेना। तो उसी के कारण आपका डिले हो रहा है। और जो मुंबई वगैरह में इलेक्शन होगा, है ना, BARC जहाँ पर है वहाँ पर, वो आपको 19 मई में आपके इलेक्शन है, 19 या 20 मई को। तो इस कारण से यदि आपको, देखिए बता देता हूँ, इलेक्शन की वजह से, इस वजह से भी डिले होता है, क्योंकि इलेक्शन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते BARC वालों की भी मतलब ड्यूटी लगती है। तो इस कारण से जैसे अभी आपको मान लो उन्होंने रिजल्ट बता दिया कि भाई आपका स्किल टेस्ट है, तो उसके लिए क्या होगा ना, स्किल टेस्ट के लिए आपको कम से कम 15 दिन पहले बताना पड़ता है कि जिससे आप लोग टिकट बुक कर सके। तो अभी मान के चलो, अभी कितनी तारीख है, आज मान के चलो 12 तारीख है, तो आपको 15 दिन तो ये महीना ऐसे ही निकल जाएगा। फिर स्किल टेस्ट कब वो कब लेंगे, तो मेरे अनुसार तो आपको लगभग 1 महीना लगेगा, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद मतलब मई के एंडिंग में आपको स्किल टेस्ट होने के चांसेस है, हो सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी इलेक्शन, जब तक महाराष्ट्र में इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपका स्किल टेस्ट होने का वैसे कोई चांसेस तो नहीं है, मेरे अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, मई के एंडिंग में आपको देखने को मिल सकता है। इलेक्शन ड्यूटी की वजह से कुछ लोगों की इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है, जिसके कारण ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। और स्किल टेस्ट आपका मान लो मई में हो भी जाता है तो फिर रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपका लगभग 1 महीने के बाद, यानी कि जब तक लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता तो वैसे ही आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए लोकसभा इलेक्शन के बाद ही आपका रिजल्ट वगैरह आएगा और ज्वाइनिंग प्रोसेस होगी, मतलब आप मान के चल सकते हो जून एंडिंग या फिर आपका जुलाई में मतलब रिजल्ट आ सकता है। बाकी स्किल टेस्ट तो आपका मई के एंडिंग में होने के चांसेस है, क्योंकि जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता स्किल इलेक्शन, ये जैसे कि मुंबई में कब है, 20 मई को मे बी लास्ट चरण का मतदान होगा, तो उस कारण से आपका देखने को मिलेगा, है ना, उसके बाद ही। तो ये देख लीजिएगा, और फिर ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी नहीं देखने को मिल रहा है, इंटरव्यू कॉल लेटर टेक्निकल ऑफिसर का है ना, और इंटरव्यू कॉल लेटर टेक्निकल ऑफिसर सी का, ये मतलब जो जो अलग अलग पोस्टों का है ना, कॉल लेटर फॉर KET-1, तो KET-1 का जहाँ तक कि इंटरव्यू वगैरह हो चुका है, तो इनका भी रिजल्ट वगैरह आपको जून के बाद ही देखने को मिल जाएगा मेरे अनुसार। ठीक है, तो अभी देख लीजिए ये सब हो गया। और हमारे न्यू वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी हाल ही में प्रेजेंट में आपको कितनी BARC में सैलरी मिल रही है, जैसे कि टेक्नीशियन बी को कितनी सैलरी मिल रही है, टेक्नीशियन सी को कितनी सैलरी मिल रही है, और साइंटिफिक असिस्टेंट को कितनी सैलरी मिल रही है, आफ्टर ट्रेनिंग आपको कितनी सैलरी मिलती है,
ये आपको लेटेस्ट वीडियो में हम बताएंगे, है ना। तो हमारा वीडियो वो भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे, थोड़ा सा वेट कीजिए। और मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं किया था, कुछ टाइम में मिल नहीं पा रहा था मुझे, तो मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, और कमेंट करिएगा जो भी आपको डाउट लगता है, मैं ट्राई करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई देने का, ठीक है। तो देख लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।